जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली आपका कक्षा 11वीं का आप लोग का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आएगा आपके परीक्षा हॉल में आपके 14 तारीख को, जो कि आपका परीक्षा होगी। तो आपका पूरा रियल पेपर आप लोग देख सकते हो, यही पेपर आएगा 100%। आपका एक गट्ठा है आप लोग का, जो कि आपका 14 तारीख का पूरा पेपर इसमें है। 9वीं से 12वीं तक का जो भी पेपर है, पूरा का पूरा रियल पेपर यहाँ पे 14 तारीख वाला है। इसके बाद आपका एक गट्ठा और लो यहाँ पर, एक गट्ठा में ये आपका अगला पेपर है जो अब आगे आएगा 14 के बाद का। ये आपका जो पेपर हो चुका है और ये पेपर है, ये जो कि थोड़ा धमिल हो गए हैं, ये पूरा पेपर आपका हो चुका है। इसके बाद इसको साइड कर देते हैं। आपका पेपर जो है यहाँ पे आपका 11वीं का जो का आप लोग का यहाँ पर इंग्लिश का पेपर होगा, और कॉपी भी यहाँ पर देख ही सकते हो। आपका ये कॉपी है आपके परीक्षा हॉल में, ये पूरी कॉपी ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आंसर को लिखना होगा, आपके आंसर यहाँ पर लिखे जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, देख लो। और इसके बाद जो है आपका इस पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। तो यहाँ पर आपका सेट जो है सेम यही जो है कि आपका सेट ए आने वाला है, वही है यहाँ पर देख सकते हो। 80 पूर्णांक आपका रहेगा, 3 वर्ष का समय आपका रहेगा। सेक्शन ए रीड द फॉलोइंग से पैसेज आप लोग को यहाँ पर है। इस पैसेज को पढ़ के आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनके राइट आंसर को आप लोग को देना होगा, यानी कि टिक लगाना है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, फाइनली पढ़ने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है पूरे को अच्छे से। मैंने पढ़ और समझ लिया है, बस आपकी बारी है, आप भी पढ़ और समझ लो। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो कि इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर है आपका 4 ऑप्शन रहेंगे पहले क्वेश्चन में, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर डी हो जाएगा तीसरे का। चौथा का सी हो जाएगा और पांचवा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 6वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो आपका जो कि आपका कौन सा 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पर 8वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, फिर 9वें का राइट आंसर बी, फिर 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या है, नोट्स एंड टाइटल बना लेनी है। तो आप लोग को सबसे पहले करना क्या है कि आप लोग को इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको 4 पॉइंट में फाइनली इसको लिख लेना है, 4 पॉइंट में लिखना है। इसके बाद आपका टाइटल बच जाएगा। तो 4 टाइटल में क्या करनी है, जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आया होगा उस शब्द को एक बार लिख लेना है। या कि आपको हिंदी में भी बात की जाए तो आप किसी आपको पैसेज पढ़ते हो या नोट्स का टाइटल उपयोग में से शीर्षक, इसका मतलब यह होता है कि आपको जो है कि किसके ऊपर वो किसी भी आपका कहानी सारांश जो भी होता है लिखा रहता है, किसी न किसी के रिलेटेड ऊपर लिखा रहता है। तो जो है इसी प्रकार ये भी है, ट्रांसलेट इंग्लिश में है ये, तो आप लोग को ये भी पढ़ना है, समझना है किसके बारे में लिखा गया है, वही इसका टाइटल हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देख सकते हो आपको एक क्या लिख लेनी है, यहाँ पे एक ठो नोटिस यहाँ पे लिखना है आपको, जो कि चलिए इसका राइट आंसर दिखा देते हैं। तो आप जो है पहले क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हो, उसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट लेते जाइएगा। अब दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पर दिखाने, तो आप इसको भी देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आप जो है इसको नोट्स एंड टाइटल को भी यहाँ पर मैंने बना दिया है। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पे नोट्स एंड टाइटल है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक नोटिस थी तीसरा क्वेश्चन में,
जो कि आपको लिखना था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देते हैं। आपका एक एप्लीकेशंस लिखना है यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में, तो चौथे क्वेश्चन का एप्लीकेशंस भी चलिए दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक आपका पांचवा नंबर में, यहाँ पे एक आपको निबंध लिखना है जो कि इंग्लिश में आपको लिखना है, तो इम्पोर्टेंट आप ट्रीज पर लिख लेना है, तो आप इसको किसी एक पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग को यानी फाइव यानी छठ हो तो पांच टो करना है। फाइनली आप लोग को पहले का राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ए भरना है। दूसरे में आपको क्या भरना है, ए पर आप लोग को इसको भरना है। इसके बाद आपको अगला है, तीसरे में आपको आप भरना है। चौथे में आपको यहाँ पर अपॉन भरना है। इसके बाद आपको पाँचवें में क्या हो जाएगा, बट। छठवें में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोकन हो जाएगा। इसके बाद आपका डू डायरेक्ट आता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, डू डायरेक्ट जो है इस प्रकार से कुछ। इसके बाद आपका उसका राइट आंसर देख लो, फिलिंग ब्लैंक में के ये हो जाएगा। इसके बाद आपका डू डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद आपका चलिए ये भी है उसी का। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है इस प्रकार से, आपको इस पैसेज यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर, तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरे क्वेश्चन का चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, चौथे का बी, पांचवे का आपका डी। इस प्रकार से नौवे का आपका पहला चलिए देख लीजिएगा। आपका नौवे का पहला में ए नंबर, दूसरे में भी ए नंबर, तीसरे में बी नंबर। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन में से इसमें ए नंबर, फिर इसका हो जाएगा आपका सी, इसका भी बी। तो इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव थे पूरा खुद सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाया, और आपके जो भी एक और बच गया है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन आंसर है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करके जाना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यह है तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो आप लोग को पसंद भी आया होगा। आप लोग को इसमें से सॉल्यूशन वगैरह जो भी चाहिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को सब चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाओ, आप लोग को प्राइवेट ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।